रूल्स निकाला और तीन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तीन देखो डायग्राम दिए, तीन रूल्स के ऊपर तीन डायग्राम। तो यहाँ पे फर्स्ट रूल नंबर वन देखते हैं। तो जो रूल नंबर है, जो रूल नंबर वन है वो टेक्स्ट बुक में नहीं, एक नोटबुक में ड्रॉ करके आपको क्लियरली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो रूल नंबर वन क्या बोल रहा है, पहले हम लोग एक मिरर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग ने एक मिरर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक मिरर ड्रॉ कर लिया और मिरर के लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, मिरर के लाइंस ड्रॉ भी कर लिया। यहाँ पे बोला कि इफ़ अ इंसिडेंट रे, तो एक मिरर में क्या होता है मेनली, एक मिरर में पहले तो एक लाइन होता है, इसे पोल कहेंगे, ये पोल होता है जो सरफेस है और इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं, ठीक है, इसे पोल और इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हम लोग के दो चीज़ होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोकस भी होता है, देखो प्रिंसिपल फोकस, तो फोकस को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इफ़ एन इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर इंसिडेंट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से हम लोग का देखो जो फोकस, सॉरी जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है, ये हम लोग का इंसिडेंट रे। और अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहा ना, अगर इंसिडेंट रे, ये हम लोग का इंसिडेंट रे है जो लाइट मिरर पे गिर रहा है, अगर वो पैरेलल रहा तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट से निकलेगा, रिफ्लेक्ट होके फोकल पॉइंट से निकलेगा। कैसे निकलेगा, देखो मेरा डायग्राम प्रॉपर नहीं था इसके लिए मैं यहीं पे टेक्स्ट बुक ही बता रही हूँ। देखो समझ लो कि ये हम लोग का मिरर है, ये जो पी, ये जो हम लोग का मिरर है, सपोज मैं इसको नाम दे दूँ एम एन, इसको मैं अगर नाम दे दूँ एम एन, तो ये मिरर पे ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस तो रहता ही है, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करता है, और ये हम लोग का फोकल पॉइंट है, ये क्या हम लोग का फोकल पॉइंट है, ठीक है। तो रूल नंबर वन कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रे, जो मिरर पे जो रे इंसिडेंट जो गिरने वाली है, वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो ब्लैक कलर की लाइन से पैरेलल है, मतलब इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो हम लोग ने ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा ना, देखो ये पिंक कलर का जो रे है ना, ये रिफ्लेक्टेड है, ये सरफेस को लगा और रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पास करेगा फोकस से, प्रिंसिपल फोकस से वो पास करके जाएगा। एक बार फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखो यहाँ पे ये एक मिरर है एम एन, उसमें ये एक ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम लोग का फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो अगर इंसिडेंट रे, अगर हम लोग इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे डालते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होकर अगर डालेंगे ना, तो उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो प्रिंसिपल फोकस से क्रॉस होकर जाएगा, ये रूल नंबर वन है। रूल नंबर टू क्या कहता है, देखो इफ़ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ पे रूल नंबर टू पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं, ये हम लोग का मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, सॉरी ये पोल और ये प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक इंसिडेंट रे पास करेगा प्रिंसिपल फोकस से, देखो ये ब्लू कलर की लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन हम लोग इंसिडेंट रे है, तो अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस को पास करके रिफ्लेक्ट हो रहा है, देखो ये मिरर पे कब पहुंच रहा है, प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस कर रहा है और फिर मिरर को टच हो रहा है ना, तो अगर ऐसा हुआ ना, अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करके टच कर रहा है ना, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा, मतलब इसके उल्टा होगा। इसमें क्या हुआ था, अगर पैरेलल है तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, इसमें क्या बता रहा है, अगर प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है तो वो पैरेलल होगा। तो ये रूल नंबर वन और रूल नंबर टू थे। रूल नंबर थ्री देखो, इफ़ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके लाइट रे मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो वो सेम रिफ्लेक्टेड रे उसी के उल्टा जाएगा, मतलब देखो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि देखो यहाँ पे दो लाइंस ड्रॉ किए गए लेकिन कलर्स दिखाई नहीं दे रहे, बस देखो दो एरोज है, ये ब्लू कलर का एरो दिया है, मैं जूम कर लेती हूँ, ये ब्लू कलर का एरो दिया और ये पिंक कलर का एरो दिया। तो ये अगर इंसिडेंट रे ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करके मिरर पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी सेम डायरेक्शन में चली जाएगी। देखो दिया है यहाँ पे, इफ़ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर एक इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेसेस द सेम पाथ बैक, तो जो रिफ्लेक्टेड रे वो सेम उसके मतलब उसके पीछे पीछे चली जाएगी, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो उसके पीछे पीछे रिफ्लेक्टेड रे भी चली गई, ठीक है। तो ये थ्री रूल्स थे ड्राइंग रे डायग्राम्स। रूल नंबर वन था, अगर रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हुई तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा ना, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, इसी का उल्टा है रूल नंबर टू और रूल नंबर थ्री, तो मैंने बता दिया। तो ये पेज नंबर 120 था। नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
पेज नंबर 121 में एक डायग्राम दिया हुआ है, सॉरी एक एक्सपेरिमेंट ट्राई दिस दिया है, जो इम्पॉर्टेंट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगी, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसके लिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। देखो नीचे ऑब्जर्व में दिया है, नीचे ऑब्जर्व में दिया इमेजेस ऑब्टेन बाय इन अ कॉनकेव मिरर, तो दो डायग्राम दिया है कि दो इमेजेस ऑब्टेन होते हैं कॉनकेव मिरर से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर दोनों इमेजेस को हम लोग कंपेयर करेंगे, ये हम लोग का MN क्या हो गया, हम लोग का मिरर हो गया, ये जो CF, ये F हम लोग का प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, करेक्ट, ये सब हम लोग को पता है। अब ये AB क्या है पता है, AB हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ये हम लोग का मिरर है ना, ये हम लोग का मिरर है, तो मिरर के सामने AB रखा, ऑब्जेक्ट को रखा, तो उसको रिफ्लेक्ट होके उसका इमेज देखो A1 B1 कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और ये इमेज देखते हैं हम लोग, ये इमेज में देखो सेम, ये फोकस प्रिंसिपल फोकस, ये पोल, ये B1 सॉरी ये B1 हम लोग को नीचे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये प्रिंसिपल फोकस, ये पोल, तो इमेज को यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज देखो कहाँ पे फॉर्म हुआ और कैसा फॉर्म हुआ। तो ये डिफरेंस क्यों है, कैसे है, वो हम लोग को नेक्स्ट पेज में पता चलेगा। तो नेक्स्ट पेज में पेज नंबर 122 में इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, इमेज कॉनकेव मिरर से कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में है। देखो एज शोन इन द फिगर 11.11A एन ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं ये पूरा पढ़ने के बजाय क्या कर रही हूँ, आपको वो दो डायग्राम एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है, वो दो डायग्राम ये पूरा रीड करने के बदले मैं वो दो डायग्राम बस एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखो वो जो डायग्राम है वो इससे लिंक्ड है, वो ये से लिंक्ड है। अभी कैसे लिंक्ड है, हम लोग दोनों डायग्राम को एकदम डीपली क्या करेंगे, डीपली नोटिस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वाले डायग्राम पे देखते हैं, पहले तो दोनों चीज़ में कॉमन क्या है, दोनों मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, दोनों में दोनों चीज़ों में पहला कॉमन है दोनों कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब देखते हैं, ये हम लोग का MN जो है मिरर हो गया, हम लोग का B जो, ये B छोड़ो, C हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, F फोकस और P पोल। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या ये लोग ने कि इन लोग ने AB सेंटर ऑफ कर्वेचर और F के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, ठीक है, मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो वो उसका इंसिडेंट हुआ S पे, देखो AS उसका इंसिडेंट रे है और AQ उसका इंसिडेंट रे है, दो रेस से वो इंसिडेंट हुआ, दो रेस के इंसिडेंट हुआ और उसका रिफ्लेक्टेड रे, देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था, अगर प्रिंसिपल एक्सिस, अगर रूल नंबर 1 क्या था हम लोग का कि अगर जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहा, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो AS है वो बी जो हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है उसको पैरेलल है, तो उसका जो रिफ्लेक्टेड रे वो कहाँ से क्रॉस किया, देखो उसका रिफ्लेक्टेड रे F से क्रॉस हुआ और एक पॉइंट पे रुका। अब उसका जो सेकेंड इंसिडेंट रे है, एक इंसिडेंट यहाँ पे कर रहा है एक लाइट रे, और एक लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है, प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस कर रहा है और क्यू पे इंसिडेंट कर रहा है, AQ इंसिडेंट कर रहा है, जो ब्लू कलर के लाइन्स है वो इंसिडेंट रे है और जो पिंक कलर के या रेड कलर के जो भी लाइन्स के कलर दिख रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो AS जो है, जो AS है वो मिरर के वो इंसिडेंट किया मिरर पे, AS ने मिरर को इंसिडेंट किया और प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हुआ, तो इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल फोकस को क्रॉस करके पास करके गया। अब सेकेंड इंसिडेंट रे देख सकते हैं हम लोग कि AQ है, AQ कहाँ से पास किया, AQ प्रिंसिपल फोकस से पास किया, इसलिए जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। तो अगर हम लोग ये रूल्स को फॉलो करके एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो इंसिडेंट रे यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ हुआ और एक पॉइंट पे टच हुआ, एक पॉइंट पे टच हुआ लेकिन कहाँ पे टच हुआ, इमेज के ये साइड पे टच हुआ, ये हम लोग का RHS है, ये इमेज के RHS है और ये इमेज का LHS है, ठीक है, इमेज का RHS है और ये इमेज का LHS है, तो यहाँ पे फॉर्म हुआ, ये जो A1 B1 है ना, मैंने जो बोला पीछे कि मैं स्किप कर रही हूँ, तो ये सब वही पीछे वही सब लिखा है कि A1 B1 इमेज फॉर्म हुआ है, ये ऑब्जेक्ट था और ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म हुआ ना मिरर से वो A1 B1 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि AB से A1 B1 बड़ा है, A1 B1 बड़ा है और वो उसी मिरर के उसी साइड पे फॉर्म हो गया, मिरर के उसी साइड पे फॉर्म हो गया और बड़ा है। तो जब मिरर के यही साइड पे इमेज फॉर्म हो जाता है ना, तो उसे रियल इमेज कहते हैं, रियल क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। अब अगर हम लोग दूसरा डायग्राम देखें, तो देखो यहाँ पे एक जगह पे रखा था ऑब्जेक्ट AB, तो
तो उसका इमेज फॉर्म हुआ ये साइड पे मिरर के RHS राइट हैंड साइड में फॉर्म हुआ A1 B1। तो ये क्यों फॉर्म हुआ और ये साइड पे क्यों फॉर्म हुआ, ये हम लोग अभी तक समझा नहीं हुआ। तो मैं समझाती हूँ कि जो कॉन्केव मिरर होता है ना, कॉन्केव मिरर में डिपेंड होता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फोकस पॉइंट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा था। तो दोनों के पॉइंट, हम लोग जब ऑब्जेक्ट्स को जगह चेंज कर रहे हैं तो इमेज चेंज हो रहा है। देखो इमेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे इमेज वही साइड पे फॉर्म हुआ, सेम साइड ऑफ द मिरर पे फॉर्म हुआ और ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज फॉर्म हुआ। ऑब्जेक्ट देखो इतना सा था, ऑब्जेक्ट का इमेज इतना बड़ा फॉर्म हुआ, करेक्ट। और वही साइड पे फॉर्म हुआ लेकिन इन्वर्टेड फॉर्म हुआ। देखो सीधा ऐसे था ए बी, उसका B1 A1 बन गया, मतलब उसका उल्टा फॉर्म हो गया। मतलब इमेज कैसा फॉर्म हुआ, रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये था जब हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में प्लेस करते। अब बी डायग्राम किसका दिया, हम लोग ज़रा समझते। हम लोग का जो ये MN है वो हम लोग का मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर, वो भी कॉनकेव वाला। तो F हो गया प्रिंसिपल फोकस, P हो गया पोल और C हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो AB है वो क्या हो गया हम लोग का, AB हम लोग का हो गया ऑब्जेक्ट, AB हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखो ये AB किससे, दो रेस से इंसिडेंट कर रहा है मिरर को, दो रेस से इंसिडेंट कर रहा है। पहला है AQ ब्लू वाला जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, AQ प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, और दूसरा है AS जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है या फोकस से क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, देखो ये AS को अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग पहले एक इंसिडेंट रे पे बात करेंगे फिर दूसरे इंसिडेंट रे पे समझेंगे। यहाँ पे दो इंसिडेंट रे हैं ना, एक है AS, एक AS है और दूसरा AQ है। तो पहले एक के बारे में पढ़ेंगे फिर दूसरे के बारे में समझेंगे। तो पहले AS के बारे में देख लेते हैं। तो देखो AS जो है, AS वो इंसिडेंट कर रहा है और देखो अगर हम लोग उसको पीछे एक्सटेंड करते तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस कर रहा है। मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी सेम वही पाथ पे होगा। देखो ये पिंक कलर का छोटा सा दिख रहा है, वहीं से इंसिडेंट हुआ और वहीं से रिफ्लेक्ट भी हो गया, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे का काम यहीं पर ख़त्म हो गया। और देखो आगे जाके एक पॉइंट पर मीट कर रहा है मिरर के वो साइड पर, एक पॉइंट पर मीट कर रहा है। और अभी हम लोग सेकेंड इंसिडेंट रे पे बात करते हैं जो है AQ पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। प्रिंसिपल एक्सिस को अगर पैरेलल है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। उसका रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगा, ठीक है। तो ये दोनों पास तो हो गए लेकिन अगर ये दोनों पॉइंट्स को मर्ज करेंगे, मिरर के पीछे एक पॉइंट है जो जॉइंट होगा, दोनों एक पॉइंट पे टच होंगे जो है A1। तो ये इमेज का हम लोग को क्या लग रहा है कि ये इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है। अगर हम लोग इसको एक्सटेंड करके कोई यहाँ से कोई इंसान देखेगा तो उसको लगा कि इमेज पीछे, मिरर के पीछे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कब लगा, जब ऑब्जेक्ट को AB को फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा गया। अब हम लोग ऑब्जेक्ट कैसा फॉर्म हुआ, देखो AB इतना सा था, A1 B1 थोड़ा बड़ा फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्ट से A1 B1 फॉर्म बड़ा हुआ, इमेज फॉर्म बड़ा हुआ और वर्चुअल हुआ, क्योंकि हम लोग ने देखो पीछे वर्चुअल के बारे में पढ़ा था। वर्चुअल इमेज कब होता है, वर्चुअल इमेज तब होता है जब वो मिरर के पीछे फॉर्म होता है। जब कोई इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होता है उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग मिरर के पीछे ना फॉर्म करके ये दोनों को एक्सटेंड करके कहीं पे फॉर्म होता क्या, नहीं। ये देखो ये दोनों लाइंस अगर हम लोग बहुत भी लेंदी करेंगे ना तो भी ये कोई भी पॉइंट में मीट नहीं करने वाले। ये जो दो इंसिडेंट रिफ्लेक्ट हुए हैं ना वो दोनों पॉइंट कहीं पर भी मीट नहीं होने वाले। इसके लिए हम लोग ये दोनों को पीछे किए, पीछे लिए दोनों को और यहाँ पे A1 B1 पे इमेज फॉर्म हुआ जो है वर्चुअल और इरेक्ट। हमेशा मैं बता दूँ रियल इमेज के साथ, हमेशा जब भी रियल इमेज फॉर्म होता है, जब भी सेम साइड ऑफ द मिरर में इमेज फॉर्म होता है वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। और वर्चुअल इमेज जब मिरर की RHS राइट हैंड साइड में फॉर्म होता है तब वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब स्ट्रेट होता है, ठीक है। तो हम लोग ने ये दो जो डायग्राम है वो किसका देखा, जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखा और जब ऑब्जेक्ट को फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में रखा। तो ये जो बॉक्स है ये वही बता रहा है, देखो
हम लोग ने क्या देखा था बिटवीन पोल एंड फोकस, जब इमेज को आप पीछे पलटा के देख सकते हो कि जब इमेज को सॉरी जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा तो मिरर के पीछे फॉर्म हुआ उसका पोजिशन, देखो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ। और वो उसका नेचर क्या था, वर्चुअल था, मैंने बताया था कि वर्चुअल इमेज क्या है, और इरेक्ट वर्चुअल के साथ इरेक्ट इमेज ही फॉर्म होगा, और मैग्नीफाइड था, मैग्नीफाइड मतलब इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज इतना था और इमेज का साइज इतना था, तो वो इमेज क्या हो गया था, मैग्नीफाइड हो गया था। अगर सेकंड, यहाँ पे सेकंड रूल्स बताया कि अगर इमेज को ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को फोकस के बीच में रखो, फोकस के बीच में एट द फोकस, मतलब बोल रहे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है ना, लेकिन अगर इमेज को ऑब्जेक्ट को आपने फोकस के बराबर फोकस के ऊपर रख दिया ना तो कैसा इमेज फॉर्म होगा, देखो दिया है इन्फिनिटी, इमेज का पोजिशन इन्फिनिटी होगा, आप ड्रॉ करके ट्राई कर सकते हो, इन्फिनिटी होगा, आपको मिलेगा ही नहीं वो। इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड और रियल का मतलब क्या है, इन्वर्टेड और रियल का मतलब है वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मिरर के यही साइड पे फॉर्म होगा लेकिन इन्फिनिटी बहुत लंबा जाएगा, ठीक है बहुत लंबा जाएगा। और इन्वर्टेड और रियल होगा मतलब यही साइड के, जब भी आपको बोले ना कि इमेज इन्वर्टेड और रियल है तो समझ जाना कि मिरर के यही साइड पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। और जब भी कोई बोले वर्चुअल या इरेक्ट है तो समझ जाना कि मिरर के वो साइड पे फॉर्म हुआ है। तो जब हम लोग एट द फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इन्फिनिटी में फॉर्म होगा, इन्वर्टेड और रियल होगा, और क्योंकि ये इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है पोजिशन उसका साइज जो होगा ना बहुत ही लार्ज होगा। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम लोग ने देख लिया, पोजिशन ऑफ द इमेज का है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखो हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग ने देखो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा तो हम लोग का इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज हम लोग का जो पोजीशन ऑफ द इमेज अगर हम लोग को पूछे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे फॉर्म हुआ, ठीक है तो यही बताया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिटवीन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही फॉर्म होगा, इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। इन्वर्टेड और रियल से हम लोग को समझ जाना है कि यहाँ पे अगर मिरर है तो मिरर के यही साइड पे, ये प्रिंसिपल फोकस तो मिरर के यही साइड पे फॉर्म होगा और उल्टा फॉर्म होगा, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड है तो समझ जाना है कि ये साइड पे फॉर्म होगा और उल्टा फॉर्म होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेम एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के जितना साइज होगा ना उतना ही साइज का फॉर्म होगा। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर सपोज हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है तो उसके भी पीछे अगर हम लोग ने ऑब्जेक्ट रखा ना तो कहाँ पे फॉर्म होगा, देखो बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ये सब बस उसका है कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो वहाँ पे नेचर होगा ऐसा और ऐसा पोजिशन होगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को इससे पूरा क्या समझ रहे हैं, इससे हम लोग को ये समझ रहा है कि देखो अगर कॉन्केव मिरर में क्या हो रहा है कि पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज होने पर इमेज और नेचर ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर का हो गया। अब नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखते हैं। तो पेज नंबर 123 में है, इमेज इज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो फिगर 11.12 शोज एन ऑब्जेक्ट ए बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो 11.12 ये इमेज है, ये डायग्राम है, ये एक्सपेरिमेंट डायग्राम है जिसमें देखो सी हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ हम लोग का प्रिंसिपल फोकस, करेक्ट एफ हम लोग का प्रिंसिपल फोकस है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर है। अब तक हम लोग कॉन्केव मिरर की बात कर रहे थे, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, ये फोकल पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस पूरा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अगर हम लोग का देखो इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे देखते हैं, हम लोग का देखो 11 पॉइंट चोजन ए बी केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। जो ए बी है ना ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ए बी जो है ए बी ऑब्जेक्ट है, ध्यान से समझो, ये हम लोग का फोकल पॉइंट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ए बी हम लोग का क्या है, ए बी हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ए बी हम लोग का ऑब्जेक्ट है। इसमें देखो दो इंसिडेंट रहे हैं, इसमें फर्स्ट इंसिडेंट रहे हैं ए आर और सेकेंड इंसिडेंट रहे हैं ए क्यू, करेक्ट, ए आर एक इंसिडेंट रहे, ए क्यू एक इंसिडेंट रहे। तो यहाँ पे क्या बोला है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड ट्रैवलिंग पैरेलल टू द एक्सिस ए आर गोइंग ऑनवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर आर शोन। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, देखो यहाँ पे जो ए क्यू, इसमें भी हम लोग पहले एक इंसिडेंट रे की बात करेंगे फिर सेकेंड इंसिडेंट रे पे जाएंगे। तो पहला देखो जो ए क्यू है वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, देखो देख सकते हो ए क्यू प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है,
ठीक है, पैरेलल है तो वो कहाँ से जाएगा? हम लोग ने रूल्स पढ़ा था कि अगर क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा तो रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। देखो तो प्रिंसिपल फोकस से पास होते हुए ही रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, भले ही इमेज के ये साइड पे, इमेज के ये साइड पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन देखो रिफ्लेक्टेड रे पास हो रहा है प्रिंसिपल फोकस से, है ना। फिर सेकंड देखो, सेकंड है हम लोग का ए आर, तो ए आर किस तरफ जा रहा है? देखो ए आर जा रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ए आर को अगर हम लोग एक्सटेंड करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा तो रिफ्लेक्टेड रे उसके पीछे पीछे आ जाएगा, देखो पिंक कलर का वहीं से रिफ्लेक्ट हो गया। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? देखो इमेज इमेज फॉर्म हुआ राइट हैंड साइड में, इमेज कहाँ फॉर्म हुआ? राइट हैंड साइड में, और हुआ ए वन बी वन, तो ये जो इमेज है वो छोटा साइज का है, वो साइज क्या है, ए बी से छोटा है ना, और ये वर्चुअल और इरेक्ट है। वर्चुअल क्यों? क्योंकि इमेज के ये साइड पे, सॉरी मिरर के राइट हैंड साइड में फॉर्म हुआ। अब तक हम लोग मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में इमेजेस फॉर्म हो रहा था तो उसे रियल इमेज कहते हैं। यहाँ पे एक और दिया है, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो कॉन्केव मिरर में बहुत सारे टाइप्स थे कि अगर फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे तो इमेज ऐसा ऐसा फॉर्म होगा, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर में कहीं पे भी रख दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो कैसा फॉर्म होगा? वो हमेशा वर्चुअल होगा, वर्चुअल मतलब हमेशा मिरर के आगे मतलब राइट हैंड साइड में फॉर्म होगा और छोटा होगा। देखो ए बी और ए वन बी वन को देखोगे तो छोटा इमेज है, देन द ऑब्जेक्ट एंड सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, और मिरर के हमेशा पीछे होगा। तो ये कॉन्वेक्स मिरर का था। कॉन्वेक्स मिरर ईजी है कंपेरेटिवली कॉन्केव मिरर का, क्योंकि कॉन्केव मिरर में बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस है कि इसको ऐसे होगा तो ये ऐसा इमेज फॉर्म करेगा। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा कुछ नहीं है। याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल होता है, स्मॉलर ऑब्जेक्ट से छोटा होता है और मिरर के पीछे फॉर्म होता है। नेक्स्ट है डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस। तो मैंने पहले बताया था, मैंने थोड़ा सा एक बार इसका एक बताया था डाइवर्जेंस और कॉन्वर्जेंस क्या होता है। तो ये जो फर्स्ट है ना वो डाइवर्जेंस है, ये कॉन्वर्जेंस है। तो डाइवर्ज क्या होता है? डाइवर्ज मतलब समझो फैलाना, कोई भी चीज़ को फैलाना। अगर सपोज ये एक लाइट रे है ना, तो यहाँ से अगर यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स में कॉन्वेक्स रख दूँ ना, कॉन्वेक्स क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही डाइवर्ज करता है, तो मैं यहाँ पे अगर कॉन्वेक्स मिरर रख दूँ ना तो वो सारे लाइट रेस को डाइवर्ज फैला देगा, और अगर मैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर रख दूँ ना, ये एक कॉन्केव मिरर है सपोज, तो वो सारे लाइट रेस को लाके एक जगह पे रख देगा। ठीक है, सारे लाइट रेस को एक जगह पे रख देगा अगर यहाँ पे मैं कॉन्केव मिरर डाल दूँ तो। यहाँ पे अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर डालती हूँ तो वो सारे लाइट रेस को फैलाएगा, यहाँ पे अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर सॉरी कॉन्केव मिरर डाल दूँ तो ये सारे लाइट रेस को एक जगह पे फोकस करेगा। मतलब कॉन्वेक्स मिरर क्या करे? कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग है, कॉन्केव मिरर्स कॉन्वर्जिंग है या तो फोकसिंग है। तो यहाँ पे देखो, अ कॉन्केव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड ए फोकसिंग मिरर, दिस इज बिकॉज एज शोन इन द फिगर 11.14, यहाँ पे पीछे 11.14, अ पैरेलल रेज गेट्स फोकस्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन इन द मिरर। ये देखते 11.14 क्या है। देखो 11.14 यहाँ पे मैंने ये जब फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ पढ़ाने के लिए मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर क्या कर रहा है? सारे लाइट रेस को एक जगह पे फोकल पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, और देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है? फोकल पॉइंट पे फोकल पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में एक डिफरेंस है कि कॉन्केव मिरर क्या करता है? फोकल पॉइंट से कन्वर्ज करता है, फोकल पॉइंट में कन्वर्ज करता है, और कॉन्वेक्स मिरर फोकल पॉइंट से डाइवर्ज करता है। ये फोकल पॉइंट में कन्वर्ज करता है और ये फोकल पॉइंट से डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो इसमें भी वही बताया है, अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ कॉल्ड अ डिस्पर्सिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर, ये दिस इज बिकॉज यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आगे देखते हैं, हाउ विल यू फाइंड आउट इफ अ मिरर इज अ कॉन्केव या कॉन्वेक्स। तो अभी आपको कैसे पता चलेगा कि ये कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है? तो द स्पेशल मिरर विच इज़ यूज फॉर शेविंग इज अ कॉन्केव मिरर। तो जो जेंट्स या मेन लोग कॉन्केव जो मिरर यूज़ करते हैं शेविंग के लिए, ठीक है, शेविंग के लिए जो मिरर यूज़ करते हैं उसे कॉन्केव मिरर कहते हैं। तो उसका स्पेशलिटी, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो, व्हेन हेल्ड क्लोज द फेस इट गिव्स अ वर्टिकल एंड लार्जर इमेज ऑफ द फेस। तो जब कॉन्केव मिरर का पकड़ोगे और फेस के सामने लाओगे, क्लोज करोगे फेस से, तो वो कैसा इमेज देगा? वो वर्टिकल स्ट्रेट और लार्जर फेस का जो है ना, फेस का लार्जर, क्योंकि वो लोग को देखना होता है प्रॉपरली, उनका फेस बड़ा दिखने के लिए शेविंग के लिए कॉन्केव मिरर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर क्या करता है? फेस का लार्जर और वर्टिकल इमेज देता है। इफ़ द सेम मिरर, अगर वही कॉन्केव मिरर को दूर रख दिया जाए ना, तो वो इमेज छोटा 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 होते जाता है, छोटा ही छोटा छोटा होते जाता है।
फिर नेक्स्ट देखो ये कॉन्केव मिरर का हो गया, अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, द मिरर यूज्ड इन कार्स एंड मोटरसाइकिल्स आर कॉन्वेक्स मिरर। तो मैंने रेयर व्यू मिरर के बारे में पहले बताया था, देखो मैंने बोला था कि ये कौन सा मिरर, मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे वो मिरर जो रेयर व्यू मिरर से जो कार्स और मोटरसाइकिल्स में लगे होते हैं ताकि पीछे के व्हीकल्स को देख सके, उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि वो इमेज से जो भी उसका ऑब्जेक्ट होगा, अभी सपोज ऑब्जेक्ट इतने साइज का है तो वो इमेज इतने साइज का देगा, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, हम लोग ने ही पढ़ा था, है ना। और वो क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो यही दिया है कि इमेज ऑफ द फेस इज इरेक्ट एंड स्मॉलर एंड इट रिमेन्स इरेक्ट बट बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर व्हेन द मिरर इज टेकन अवे फ्रॉम द फेस। ठीक है, तो जब आप फेस से दूर लेते जाओगे ना तो वो छोटे से छोटा छोटा होता जाए। ठीक है, एज अ रिजल्ट वी कैन सी द इमेज ऑफ द सराउंडिंग ऑल्सो इन द मिरर, थस वी कैन डिटरमाइन द नेचर बाय स्टडिंग द इमेजेस प्रोड्यूस बाय देम। तो कॉन्केव मिरर क्या करे, जब कॉन्केव मिरर को सामने ला रहे हो फेस के सामने तो वो इमेज को बड़ा करके दिखा रहा है आपको, इमेज को मैग्नीफाइड कर रहा है। कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है, इमेज को छोटा करके दिखा रहा है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स समझने के लिए ये डिफरेंस दिया हुआ है। व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज वेल पासिंग थ्रू अवर लेंस इन अवर आईज दे कन्वर्ज एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स ऑन द रेटिना ऑफ अवर आई। दिस इमेज फॉर्म्ड बाय लाइट रेज एंड एक्चुअली कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट इज अ रियल इमेज। अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। तो यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे हम लोग को आँखों का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे बोला है कि हम लोग के आँखों में भी लाइट रेस हम लोग को दिखता कैसे, यहाँ पे हम लोग को दिखता कैसे उस पर एक छोटा सा बताया है कि लाइट रेस कमिंग फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट, जब लाइट रेस हम लोग जो चीज़ को देख रहे, जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेस आ रहे वो हम लोग के आँखों में गिर रहे, वो हम लोग के आँखों में एंटर कर रहे। देखो समझो, जो अभी सपोज ये ऑब्जेक्ट ही हम लोग का आँख है तो इसके जो रेज है वो हम लोग के आईज को एंटर कर रहे हैं। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट बिकॉज हम लोग वो ऑब्जेक्ट को क्यों देख रहे हैं, वाइल पासिंग थ्रू द लेंसेज, हम लोग के आँखों में लेंस है। ठीक है, हम लोग के आँखों में लेंस है, वो कौन सा लेंस है वो आपको टेंथ में समझेगा। जैसे आपको इस बार लेसन है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टेंथ स्टैंडर्ड में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इस पर लेसन है, आई के ऊपर है, तो उसमें आपको समझेगा लेंस के बारे में। ठीक है, तो द रेस कन्वर्ज, तो ये सारे रेस कन्वर्ज होते हैं, सारे रेस कन्वर्ज होते हैं और एक जगह पे ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ज होकर हम लोग के रेटिना पे गिरता है। सारे इमेज एक जगह पे, देखो सपोज ये हम लोग का रेटिना है तो रेटिना पे सारे सॉरी ये हम लोग का सपोज रेटिना है तो ऑब्जेक्ट के इंसिडेंट रे हम लोग के लेंस से क्या कर रहे हैं, लेंस से हम लोग का रिफ्लेक्ट कर रहा है और एक जगह पे फोकस पे आ रहा है। ठीक है, एक जगह पे फोकस आ रहा है, ऐसे हम लोग को दिखाई देता है। तो ऐसे ऐसे इमेजेस को क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं और रियल इमेज स्क्रीन पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द इमेज प्रोड्यूस बाय अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज। जो इमेज प्लेन मिरर फॉर्म करता है उसे वर्चुअल इमेज कहते हैं। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, दिस इमेज इज प्रोड्यूस एट अ पॉइंट फ्रॉम विच द रिफ्लेक्टेड लाइट अपीयर्स टू डाइवर्ज। तो ये सब के बारे में हम लोग ने पढ़ा था पीछे क्या बोलते हैं प्लेन मिरर में, ये पैराग्राफ में प्लेन मिरर के बारे में बताया, ये पैराग्राफ में कन्वर्ज मतलब कॉन्केव मिरर के बारे में बताया और ये पैराग्राफ में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, डाइवर्ज मतलब कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्केव देखो प्लेन मिरर, यहाँ इसके बेसिस पे कॉन्केव कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के बेसिस पे एक्सरसाइज में एक आंसर भी है तो ये उसका आंसर होगा। ठीक है, तो व्हेन लाइट रेस कलेक्ट एट अ पॉइंट, जब लाइट रेस एक जगह पे पॉइंट पे कलेक्ट करता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम जब रिफ्लेक्शन होता है स्फेरिकल मिरर से तब एक जगह पे कन्वर्ज हो रहा है एक पॉइंट। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये सपोज एक कॉन्केव मिरर रख दिया, ठीक है कॉन्केव मिरर रख दिया तो ये सारे पॉइंट्स को ना एक जगह पे ला देगा। इसलिए क्या करते हैं, कौन यूज़ करता है, डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स है ना, डॉक्टर्स यूज सच अ बीम टू कन्वर्ज लाइट। अपने जब डॉक्टर्स दांत डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट जो होते हैं ना वो लोग टूथ देखने को कन्वर्ज कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं ताकि सारे लाइट एक जगह पे फोकस्ड हो जाए और वो टूथ क्लियरली दिख सके। तो टूथ दांत देखने के लिए, कान ईयर नोज ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉन्केव मिरर। तो यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है कि यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है, इक्विपमेंट यूजिंग सोलार एनर्जी आर ऑल्सो यूज कॉन्वर्जिंग लाइट। तो जो सोलार एनर्जी के जो इक्विपमेंट है, सोलार एनर्जी क्या होता है, जो सन से हम लोग को जो एनर्जी मिलती है तो उसके लिए भी कन्वर्जिंग लाइट यूज़ होते हैं, उसके लिए भी कॉन्केव मिरर, क्योंकि ताकि सोलार के जो सारे सन के जो रेज है ना वो कॉन्केव मिरर की वजह से एक लाइट रेज में एक जगह पे फोकस हो जाए, इसके लिए कॉन्केव मिरर लेते हैं। व्हेन लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट स्प्रेड आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर लाइट इज सेड टू हैव डाइवर्ज्ड।
तो यहाँ पे बोला है कि जब लाइट रेस एक जगह से स्प्रेड किया जाता है, इसको मेनली क्या बताया, देखो जब लाइट रेस कॉन्वेक्स मिरर को रखते हो ना, तब देखो यहाँ पे मैंने कॉन्वेक्स मिरर रखा, तो सारे लाइट रेस जो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रहे थे सारे डाइवर्ज हो गए, सारे जो भी इंसिडेंट रेस पैरेलल आ रहे थे सारे डाइवर्ज हो गए, यहाँ पे सारे इंसिडेंट रेस जो भी पैरेलल आ रहे थे वो सारे कन्वर्ज हो गए, तो कन्वर्ज डाइवर्ज यही है। तो यहाँ पे बस यूज़ बताया है, व्हेन वी वांट लाइट रेस टू स्प्रेड आउट फ्रॉम अ सोर्स एज डाइवर्जेंट बीम इट इज़ यूज्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर को यूज़ किया जाता है जब हम लोग को डाइवर्ज करना होता है, जैसे देखो स्ट्रीट लैम्प्स में एक ही, अगर स्ट्रीट लैम्प्स में अगर हम लोग कॉन्केव लेंस यूज़ करेंगे ना तो लाइट सिर्फ एक ही जगह पे गिरेगा, अगर सपोज ये स्ट्रीट लाइट है ना तो लाइट सिर्फ एक ही जगह पे गिरेगा, लेकिन हम लोग को पूरे स्ट्रीट में फैलाना है लाइट, इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 125 में कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के यूजेस है, तो ये साल के लिए तो कट है, लेकिन आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो एज अ जनरल नॉलेज कि कॉन्केव मिरर में क्या क्या यूजेस है, कॉन्वेक्स के क्या क्या यूजेस है। अब नेक्स्ट हम लोग का लास्ट पार्ट है कार्टेशियन, ठीक है, ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये हम लोग का लास्ट है, जिससे हम लोग को सम्स करने, जिससे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जिससे सम्स करना है। तो देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर, देखो इसको ना जो हम लोग ने जो मिरर लिया था उसको ये लोग ने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ने, कार्टेशियन ने एक ग्राफ जैसा बना लिया, ठीक है, एक ग्राफ जैसा बना लिया और बोला है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस जो इमेजिनरी लाइन है ना उसको हम लोग एक्स एक्सिस ले लेंगे, सपोज उसको क्या ले लेंगे, एक्स एक्सिस ले लेंगे, और जो देखो द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज एक्स एक्सिस, द पोल जो हम लोग का पोल था, पोल यहाँ पे होता है ना, तो पोल को हम लोग ओरिजिन ले लेंगे और वहाँ से एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, पोल को ओरिजिन लेंगे और वहाँ से एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स एक्सिस ले लेंगे और ओ को पोल को ओरिजिन ले लेंगे, तो वहाँ से एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं और फिर एक ऐसा ड्राइंग ड्रॉ होगा, फिर उसके ऊपर हम लोग को रूल्स बताया कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द मिरर, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा मिरर के लेफ्ट में होगा, क्या तो वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, ठीक है, हमेशा उसको लेफ्ट में ही रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है, ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल टू द मिरर, यहाँ पे बोला है कि जो सारे डिस्टेंस है, अभी हम लोग बोलोगे कि डिस्टेंस कहाँ से आ गया, इसमें हम लोग को सॉल्व करना है, इसमें हम लोग का सल्यूशन है, हम लोग को आगे समझेगा, ठीक है, आगे पता चला कि इसका एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल मतलब इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया पहले उसको समझते फिर इसको और क्लियरली जो सम्स दिए उससे समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे ना वो किससे मेजर करेंगे, वो सारे पोल से मेजर करेंगे, पोल से मिरर तक को वो डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑल डिस्टेंस मेजर टूवर्ड्स द राइट ऑफ द पोल, पोल के जो राइट साइड पे जो भी डिस्टेंस होंगे ना उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, वाइल दोज मेजर फ्रॉम द लेफ्ट, अब जो भी लेफ्ट में डिस्टेंस होंगे ना, ये लेफ्ट साइड पे जो भी डिस्टेंस होंगे उसको नेगेटिव लेंगे, वैसे ही जो भी डिस्टेंस ऊपर की तरफ होंगे ना, ये एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ, उसको पॉजिटिव लेंगे और जो भी नीचे की तरफ होंगे उसको नेगेटिव लेंगे, समझा। फिर नेक्स्ट है डिस्टेंस, देखो वही मैंने जो बोला कि वर्टिकली ऊपर रहा तो पॉजिटिव, वर्टिकली नीचे रहा तो नेगेटिव, डिस्टेंस मेजर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी नेगेटिव। फिर नेक्स्ट है द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या था हम लोग का, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस का कोई ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे फोकल लेंथ कहते हैं ना, तो यहाँ पे बोल रहे कि फोकल लेंथ, एक कॉन्केव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है ना, अगर यहाँ पे अगर ये कॉन्केव मिरर होगा तो उसका जो फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस उसका जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में होगा और जो कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर है उसमें पॉजिटिव में होगा। तो अब ये सब यूज़ किस में होता है ये समझेंगे, ठीक है, अब हम लोग ने बस रीड आउट कर लिया और डायग्राम से देख लिया, अब हम लोग देखेंगे ये सब का यूज़ क्यों होता है। यहाँ पे मिरर फार्मूला दिया है, मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, अब ये v और u और ये f क्या है नया चीज़ किसी को नहीं पता, तो ये देखते हैं v u f क्या है। v गेट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस, हम लोग को अभी अगर सपोज डिस्टेंस, अगर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, एक मिरर दिया है और बोला है कि इसका पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या है, तो ये सारे डिस्टेंस हम लोग फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, तो ये वी और यू क्या है देखे पढ़ते हैं, वी गेट द करेक्ट वैल्यूज ऑफ द डिस्टेंस बाई यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन,
तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से हम लोग को प्रॉपर वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, ये जो यू है ना, ये है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यू क्या होता है? यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से? पोल ऑफ द मिरर से। पोल ऑफ द मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। देखो दिया भी है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है वो दिया है, ठीक है। वेल द इमेज डिस्टेंस वी इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। अब पोल से इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसका डिस्टेंस कितना है, उसे वी कहते हैं। तो इसका रिलेशनशिप का, इसके रिलेशनशिप से बनता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला। तो अगर हम लोग को फोकल लेंथ फाइंड करना है तो वन अपॉन वी, वी मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज और यू मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये दोनों को प्लस करने से हम लोग को वन अपॉन एफ फोकल पॉइंट, इसे मिरर फॉर्मूला कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में दिया मैग्नीफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स। क्या दिया? मैग्नीफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स, ये लास्ट पार्ट है हम लोग का। द मैग्नीफिकेशन ड्यू टू स्पेरिकल मिरर्स इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज। अब यहाँ पे भी एच टू और एच वन कुछ दिया है, तो ये सब पढ़ने से पहले मैं आपको अच्छे से समझा दूँ कि हाइट ऑफ द इमेज क्या है। अब देखो हम लोग ने देखा था डायग्राम्स में जो कॉनकेव मिरर से के वजह से इमेजेस फॉर्म हो रहे थे, उसमें हम लोग ने देखा था कि ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ थी और हाइट ऑफ द इमेज कुछ और थी। तो मैग्नीफिकेशन कितना हाइट लंबाई, मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला है एच टू अपॉन एच वन, ठीक है। फ्रॉम दिस वी कैन शो दैट एक और फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का जो है माइनस वी अपॉन यू। वी क्या था हम लोग का? डिस्टेंस ऑफ द इमेज, और यू क्या था? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बस इतना ही था। एज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इट्स हाइट इज ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब मैं पहले ये एग्जांपल सॉल्व करती हूँ, उससे आपको ये सब जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, हाइट, ये सब मैग्नीफिकेशन, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, देखो राजश्री वांट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज। राजश्री वांट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। तो राजश्री को एक इन्वर्टेड इमेज चाहिए, तो मैं रीड करते करते इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि राजश्री वांट्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर। तो राजश्री को एक इन्वर्टेड इमेज चाहिए, तो मैंने बोला था कि इन्वर्टेड इमेज किसके साथ फॉर्म होता है? इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल इमेज के साथ फॉर्म होता है, ठीक है। और रियल इमेज कैसे फॉर्म होता है? जब मिरर के ये साइड पे इमेज फॉर्म होता है ना, ये फॉर्म, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जब इमेज फॉर्म होता है उसे रियल और इन्वर्टेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज दे दिया हम लोग को, हाइट ऑफ द इमेज। देखो बोला है, ध्यान से समझो इसको, राजश्री वॉन्ट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट। उसको इमेज ज़रूरत है, उसको एक इन्वर्टेड इमेज चाहिए जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग का हाइट ऑफ द इमेज मिल गया, हाइट ऑफ द इमेज हम लोग का 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखो -5 दिया है, यहाँ पे -5 क्यों दिया है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे -5 दिया है। फिर नेक्स्ट है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो राजश्री वॉन्ट्स टू गेट एन इन्वर्टेड इमेज, उसको एक इन्वर्टेड इमेज चाहिए जिसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट का जो रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर में, एक कॉन्केव मिरर में 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में एक ऑब्जेक्ट को रखा है, तो हम लोग को क्या मिल गया? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, जो है -30। अब यहाँ पे हम लोग को 30 का माइनस क्यों हो गया वो फिर समझेंगे बाद में, ठीक है। यहाँ पे जो जो चीज़ें माइनस क्यों हुई है वो हम लोग बाद में समझेंगे। तो फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ होता है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का लेंथ। तो फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। एट क्या बोला है? एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड शी प्लेस द स्क्रीन। तो मिरर से स्क्रीन को कितने दूर में रखना चाहिए, मिरर से स्क्रीन को कितने दूर में रखना चाहिए, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करना है हम लोग को। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फाइंड करना है कि मिरर यहाँ पे है और स्क्रीन को कितने दूर में रखना है हम लोग को, स्क्रीन को कितने दूर में रखना है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज। क्योंकि ये देखो इन्वर्टेड है तो ये इमेज लेफ्ट साइड में ही फॉर्म होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। यहाँ पे और बोला है व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द इमेज, इमेज जो बनेगा उसका टाइप बताओ और कौन से हाइट का बनेगा, ठीक है, वो बताओ। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं बता दूँ रीजंस कि यहाँ पे क्या हम लोग को यहाँ पे माइनस में क्यों दिया था।
तो हम लोग फिर से कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में आ गए। देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में यहाँ पे एफ दिया हुआ है माइनस टेन, हम लोग का जो एग्जाम्पल था उसमें देखो एफ दिया हुआ है माइनस टेन। एफ क्या होता है, एफ होता है प्रिंसिपल फोकस, तो यहाँ पे कोई प्रिंसिपल फोकस तो ड्रॉ नहीं किया है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस कहाँ होता है, ये देखो ये अगर पोल है तो यहीं कहीं पोल के यहीं कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में ही प्रिंसिपल फोकस होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही क्या होता है प्रिंसिपल फोकस होता है ना। तो प्रिंसिपल फोकस देखो कौन से साइड में आ रहा है, प्रिंसिपल फोकस देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार लेफ्ट साइड में आ रहा है, देखो प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो इसलिए डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड क्या होता है नेगेटिव होता है। इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी सम्स में प्रिंसिपल फोकस सॉरी फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव में दिया है, जैसे हम लोग को दिया था पॉजिटिव में 10, द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो हम लोग उसको नेगेटिव में करना है, क्यों, क्योंकि वो देखो नेगेटिव, वो माइनस लेफ्ट साइड में, वो कहाँ पे है लेफ्ट साइड में, इसके लिए वो माइनस 10 हो जाएगा। फिर H2 क्या होता है, H2 होता है हाइट ऑफ द इमेज, H2 क्या होता है हाइट ऑफ द इमेज, तो अब हाइट ऑफ द इमेज को क्यों माइनस 5 किया है। अब हम लोग को देखो अगर हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को फिर से समझे तो बोला था कि राजश्री को एक इमेज चाहिए जो इन्वर्टेड और रियल है, जो क्या है इन्वर्टेड और जो इन्वर्टेड है, अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगा, अगर इन्वर्टेड है तो रियल होगा, हम लोग ने देखा था कि वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा क्योंकि वो ये साइड पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2 क्या है, H2 होता है हाइट ऑफ द इमेज, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इमेज हो रहा है लेफ्ट साइड के डाउनवर्ड्स, देखो लेफ्ट साइड के ऊपर भी फॉर्म नहीं हो रहा है, लेफ्ट साइड के डाउनवर्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, समझ रहे हो, लेफ्ट साइड के डाउनवर्ड्स अगर फॉर्म होगा तो वो क्या होगा नेगेटिव होगा, अगर लेफ्ट साइड के डाउनवर्ड्स में फॉर्म हो रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव ही होगा ना, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कह रहा है कि डिस्टेंस डाउनवर्ड्स नेगेटिव होता है, तो इसके लिए हम लोग का H2 भी 5 का हम लोग ने माइनस 5 लिखा। फिर देखो U क्या होता है, U होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये कॉन्केव मिरर में हम लोग ने देखा था यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया जाता है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे प्लेस किया जाता है, तो देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट साइड, तो जो भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा वो पोल से मेजर होगा, पोल से लेफ्ट साइड में मेजर होगा, तो डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट क्या होता है नेगेटिव होता है, इसके लिए हम लोग ने यू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी माइनस 30 ले लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ दिया भी था हम लोग को जिसको मैंने स्किप किया ताकि मैं अभी एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। एज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, उसका हाइट हमेशा नेक पॉजिटिव लिया जाएगा, उसका हाइट हमेशा क्या लिया जाएगा पॉजिटिव। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसको डायग्राम से देखते हैं, यह बोल रहा है कि क्योंकि इसका देखो हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट जो है, ऑब्जेक्ट का हाइट ये जो ऊपर नीचे का बताया ना, ये सब ऑब्जेक्ट के हाइट्स है और ये सब डिस्टेंस है, ये सब डिस्टेंस है, ये सब हाइट है, तो ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा ऊपर की तरफ लिया जाता है, ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा ऊपर की तरफ लिया जाता है, इसके लिए वो हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट को हम लोग ऊपर से हाइट लेते हैं कि नीचे से हाइट लेते हैं, हम लोग ऑब्वियसली ऊपर से हाइट लेते हैं ना, लेकिन हम लोग का इमेज अगर नीचे की तरफ फॉर्म हुआ तो माइनस होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग ऊपर की तरफ लेते हैं इसके लिए वो पॉजिटिव होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो फॉर वर्चुअल इमेजेस द हाइट इज पॉजिटिव व्हाइल फॉर रियल इमेजेस इट इज नेगेटिव। अब वर्चुअल इमेजेस के लिए जो हाइट है वो पॉजिटिव है, वर्चुअल इमेजेस के लिए जो हाइट है वो पॉजिटिव है। वर्चुअल इमेजेस कहाँ फॉर्म होते हैं, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे ऐसे फॉर्म होते हैं, इरेक्ट फॉर्म होते हैं, स्ट्रेट फॉर्म होते हैं, है ना, तो इसके लिए वो पॉजिटिव है क्योंकि देखो दिया डिस्टेंस अपवर्ड्स पॉजिटिव है। और रियल इमेजेस कहाँ फॉर्म होते हैं, मिरर के ये साइड पे नीचे की तरफ, मिरर के ये साइड पे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या है नेगेटिव है, नीचे की तरफ नेगेटिव है, रियल इन्वर्टेड है, तो डिस्टेंस ऑफ दी जो भी अगर रियल इमेज फॉर्म हो वो हमेशा क्या होगा नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये दिया हुआ था। तो एक बार अभी मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन समझ गया होगा, हम लोग ने माइनस क्यू लिया प्लस क्यू लिया, क्वेश्चन समझना है और क्या क्या दिया उसको एज अ यू वी ऐसा फाइंड करके लिखना है। जैसे यहाँ पे राजश्री वॉन्ट्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ हाइट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बोला, यहाँ पे इमेज बोला, उसको एक इन्वर्टेड इमेज चाहिए, इन्वर्टेड मतलब रियल है, तो उसको एक रियल इन्वर्टेड इमेज चाहिए जिसका हाइट है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ द इमेज माइनस फाइव क्यों लिया, क्योंकि वो रियल इमेज है और रियल इमेजेस LHS लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म होता है ना, और नीचे की तरफ फॉर्म होता है तो हाइट नेगेटिव होगा। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर क्यों है, देखो पेज नंबर 119 में भी हम लोग ने पढ़ा था कि
द डिस्टेंस, ये देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. तो हम लोग को पता चल गया कि फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस. तो यहाँ पे हम लोग ने फोकल लेंथ को क्यों नेगेटिव लिया, क्योंकि देखो ये पोल है, पोल के बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में ही फोकल पॉइंट होता है. फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस. तो देखो ये डिस्टेंस क्या होता है, ऊपर के नेगेटिव होते हैं, है ना. लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस नेगेटिव होते हैं, राइट साइड के डिस्टेंस पॉजिटिव होते हैं. इसके लिए हम लोग ने फोकल लेंथ क्या लिया, फोकल लेंथ को नेगेटिव लिया, ठीक है. फोकल लेंथ को हम लोग ने नेगेटिव लिया. ये कॉन्केव मिरर है, अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो फोकल लेंथ हम लोग का ये साइड पे फॉर्म होता. अगर ये कॉन्वेक्स मिरर होता ना तो फोकल लेंथ, ये मिरर ऐसा ड्रॉ होता, ये मिरर ऐसा ड्रॉ होता, ये पोल होता, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता, और ये प्रिंसिपल फोकस होता. तो ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि देखो डिस्टेंस ऑन द राइट साइड इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है. तो इसलिए हम लोग किस में माइनस ले रहे, किस में प्लस ले रहे, ये उसका रीज़न है. तो हम लोग को फाइंड क्या करना है, देखो हम लोग को इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है जो है वी, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड करना है जो है एच वन. तो अकॉर्डिंग टू द मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या है, देखो मिरर फॉर्मूला है वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इक्वल्स टू वन अपॉन एफ. तो हम लोग के पास एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, दो चीज़ दो वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग वी फाइंड कर सकते हैं. तो वन अपॉन वी इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे ये लोग ने क्या किया, वन अपॉन वी चाहिए हम लोग को, तो ये वन अपॉन यू को क्या किया, वो साइड पे डाल दिया पूरा माइनस करके, इक्वल्स टू के वो साइड पे माइनस करके. तो वन अपॉन एफ अप माइनस वन अपॉन यू, तो वन अपॉन वी था हम लोग का कुछ नहीं, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है. हम लोग का एफ क्या था, हम लोग का एफ था माइनस टेन, तो वन अपॉन माइनस टेन माइनस, ठीक है ये माइनस हो गया, माइनस वन अपॉन यू, यू क्या था हम लोग का माइनस थर्टी, तो वन अपॉन माइनस थर्टी, ये माइनस थर्टी और माइनस थर्टी अलग है. अब ये लोग ने क्या किया, तो आगे ये लोग ने क्या किया, माइनस वन अपॉन वी इक्वल्स टू वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू, माइनस वन अपॉन यू को ये साइड पे भेज दिया, फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दिए, वन अपॉन माइनस टेन माइनस वन अपॉन माइनस थर्टी, फिर इसको ये लोग ने आगे क्रॉस मल्टीप्लाई किया. देखो थर्टी ये लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, मैं यहाँ पे बाजू में करके दिखाती हूँ, माइनस वन अपॉन टेन माइनस वन अपॉन माइनस थर्टी, तो थर्टी इंटू वन माइनस थर्टी इंटू वन माइनस थर्टी होता है, माइनस दिया हुआ था माइनस टेन इंटू माइनस वन माइनस टेन होता है, ठीक है. अब दोनों डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो थर्टी इंटू हंड्रेड माइनस टेन इंटू माइनस थर्टी क्या होगा, थ्री हंड्रेड होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो देखो माइनस थर्टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस टेन अपॉन थ्री हंड्रेड, ठीक है. माइनस थर्टी प्लस टेन कितना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ट्वेंटी, ग्रेटर नंबर का साइन माइनस अपॉन थ्री हंड्रेड, ठीक है. जीरो जीरो कट, तो आएगा टू अपॉन माइनस टू अपॉन थर्टी. तो ये लोग ने इतना सब नहीं किया है, ये लोग ने डायरेक्टली बता दिया माइनस टू अपॉन थर्टी. तो वन अपॉन वी कितना मिला, माइनस टू अपॉन थर्टी. इसको अगर हम लोग और डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, वन अपॉन माइनस फिफ्टीन. तो फिर ये लोग ने इसको इन्वर्ट कर दिया, वन देखो इन्वर्ट किया, तो वी अपॉन वन इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन अपॉन वन, तो वन वन कैंसिल हो गया, तो वी कितना है, माइनस वन माइनस फिफ्टीन. तो ये इन्वर्ट करने के टाइम बाई इन्वर्ट एंडो यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो ये मिला हम लोग को क्या, वी मिला. वी क्या था हम लोग का, हाइट ऑफ द इमेज डिस्टेंस. तो इमेज डिस्टेंस क्या था, माइनस फिफ्टीन. अब ये माइनस में, ये माइनस में भी क्यों आया, ये लॉजिकली माइनस में ही आएगा. इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, एलएचएस में फॉर्म हुआ, इमेज एलएचएस में फॉर्म हुआ. डिस्टेंस देखो उसका नेगेटिव होगा, नीचे से फॉर्म हुआ तो नेगेटिव होगा, इसके लिए हम लोग को देखो इमेज का आंसर भी नेगेटिव में आया. फिर मैग्नीफिकेशन, हम लोग को और क्या फाइंड करना है, हम लोग को एच वन फाइंड करना है. तो एच वन का फॉर्मूला है एच टू अपॉन एच वन इक्वल्स टू वी. देखो मैग्नीफिकेशन के यहाँ पे दो फॉर्मूले थे, मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू एच टू अपॉन एच वन या मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू. तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को देखो हम लोग को एच वन चाहिए, हम लोग को एच टू दिया हुआ है. तो अगर हम लोग मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं एच टू अपॉन एच वन, तो हम लोग को कोई दो वैल्यूज़ पता होना चाहिए. तो हम लोग का एच टू का वैल्यू तो पता है, लेकिन मैग्नीफिकेशन का वैल्यू नहीं पता है. लेकिन हम लोग को ऊपर दिया हुआ है कि एच टू अपॉन एच वन इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, दोनों मैग्नीफिकेशन का ही फॉर्मूला है. तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने देखो एच टू अपॉन एच वन इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू ये लिया, फिर यू और एच टू को मल्टीप्लाई कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यू अपॉन एच टू, ये माइनस वी, माइनस वैसे ही रहेगा, ये माइनस चेंज नहीं होगा, ये माइनस था तो माइनस ही रहा, पर यहाँ पर बस क्या हुआ, इन्वर्ट किया है. तो v अपॉन ये v नीचे आ गया, v नीचे आ गया, और ये h1 क्या हो गया, इक्वल्स टू के वो साइड पे चला गया, ठीक है.
एच वन नीचे डिनोमिनेटर में था तो ऊपर न्यूमरेटर में हो गया, तो ये ऐसा फॉर्म होगा यू एच टू अपॉन वी इक्वल्स टू एच वन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस, हम लोग को एच वन चाहिए इसके लिए एच वन का एक नया फॉर्मूला बना दिया है। तो फिर वैल्यूज पुट किए, यू का वैल्यू क्या है देखो, यू का वैल्यू हम लोग का माइनस थर्टी, एच टू का वैल्यू क्या है माइनस फाइव अपॉन वी, वी क्या मिला हम लोग को, अभी वी मिला माइनस फिफ्टीन, तो माइनस थर्टी इंटू फाइव क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको इन लोग ने डिवाइड कर लिया। देखो फाइव थ्री ज़ा, या तो सीधा ऐसा कर सकते हैं फिफ्टीन वन ज़ा फिफ्टीन टू ज़ा, फिफ्टीन वन ज़ा फिफ्टीन टू ज़ा, तो क्या बचा माइनस टू अपॉन माइनस फाइव, और ये नीचे का माइनस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया, माइनस था माइनस माइनस थर्टी माइनस फाइव, ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे माइनस फिफ्टीन था, फिफ्टीन वन ज़ा फिफ्टीन टू ज़ा, ठीक है फिफ्टीन टू ज़ा, फिर यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या माइनस टू और माइनस फाइव, तो फाइव टू ज़ा टेन, बचा क्या एच वन आया हम लोग को टेन सेंटीमीटर। एच वन क्या था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट का हाइट भले ही वो नेगेटिव में था, डिस्टेंस नेगेटिव होगा, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा क्योंकि देखो डिस्टेंस ऐसे आ रहा है, हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है इसके लिए हाइट पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए हम लोग को हाइट क्या मिला, हाइट पॉजिटिव मिला। तो इस ये सारी चीज़ें हम लोग ने जब पढ़े वो मैग्निफिकेशन के लिए था, हम लोग को अगर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फाइंड करना है, फोकल लेंथ फाइंड करना है, तो इसके लिए वो सारे जो चीज़ें हम लोग ने पढ़े ये सब फाइंड करने के लिए यूज़ होंगे। तो मैं शॉर्टली एक्सरसाइज बता दूं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विद रिस्पेक्ट टू द टाइप एंड साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बोला है कि उसके डिफरेंसेस बताओ और वो कैसे टाइप के इमेजेस फॉर्म कर सकते वो बताओ। तो इसका आंसर पेज नंबर 124 में दिया है। देखो प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा दिया है, कॉन्केव बारे में, कॉन्वेक्स के बारे में दिया और उसके कैसे इमेजेस फॉर्म होते हैं। तो इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटे फॉर्म होते हैं, कॉन्केव मिरर का डिपेंड होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्केव मिरर, टॉर्च लाइट, प्रोजेक्टर लैंप। तो ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बताना है कि टॉर्च लाइट पे कॉन्केव मिरर को कहाँ पे रखोगे तो कहाँ पे फॉर्म होगा इमेज, ये सब बताना है। तो ये आते नहीं एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, तो इसको मैं स्किप करती हूँ। वाई आर कॉन्केव मिरर यूज्ड इन सोलार डिवाइसेस, तो यहाँ पे रीज़न लिखना है कि सोलार डिवाइसेस में कॉन्केव मिरर क्यों यूज़ होते हैं, क्योंकि देखो हम लोग को सोलार डिवाइसेस चलाने को सोलार एनर्जी चाहिए होता है, अगर सपोज ये सोलार कोई डिवाइस है, सोलार डिवाइस है, तो हम लोग को उसके लिए सोलार एनर्जी चाहिए, ठीक है, सोलार डिवाइस के लिए सोलार एनर्जी। तो सोलार एनर्जी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा सन की लाइट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा सन का लाइट लाने को इसके ऊपर हम लोग कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। तो रीज़न ये लिखना है कि बिकॉज कॉन्केव मिरर कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे फोकस करता है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर को। वाई आर द मिरर्स फिटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द कार कॉन्वेक्स, तो इसका आंसर भी सिंपल है, क्योंकि हम लोग को पीछे के बैक, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इमेज जो ऑब्जेक्ट से है इमेज को छोटा बताता है, तो हम लोग पीछे के जो मिरर्स है उससे, पीछे के जो बाजू के मिरर से उससे देख सकते हैं कि पीछे के व्हीकल्स कैसे आ रहे क्या आ रहे, तो उससे एक्सीडेंट का कम चांस है। वाई डज ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ अ सन ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्केव मिरर बर्न द पेपर, यहाँ पे बोला है कि अगर एक मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा सपोज हम लोग ने पकड़ा और उसके नीचे एक पेपर रख दिया, और ऊपर से सन की लाइट आ रही, तो वो पेपर क्यों जल जाता है, सिंपल है क्योंकि कॉन्केव मिरर सारे लाइट रेज को फोकस करता है और मिरर और कॉन्केव मिरर क्या कर रहा है, फोकस करता है एक पॉइंट पे और उसके नीचे पेपर है तो पेपर जल जाएगा, ठीक है। इफ़ द स्फेरिकल मिरर ब्रेक्स, व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर्स आर द इंडिविजुअल पीसेस, तो अगर एक स्फेरिकल मिरर ब्रेक करता है तो अगर वो कॉन्केव मिरर होगा तो कॉन्केव मिरर के पीसेस में डिवाइड होगा, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के पीसेस में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बाकी इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे बोला व्हाट साइन कन्वेंशन आर यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, तो साइन कन्वेंशन बताना है और यहाँ पे रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रे डायग्राम, विच टाइप ऑफ मिरर आर यूज्ड इन द फॉलोइंग, पेरिस्कोप, फ्लड लाइट, शेविंग मिरर, कैलेडिस्कोप, स्ट्रीट लाइट, हेडलैम्प्स ऑफ अ कैर, ये सब में हेडलैम्प्स ऑफ द कार, ये सब में कौन कौन से मिरर से वो बताना है, ठीक है। फिर लास्ट है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स, ये सब क्वेश्चन आंसर्स है और यहाँ पे एक्चुअल में आंसर दिए भी है तो ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है, तो इसका एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सारे नाइन्थ स्टैंडर्ड फ्रेंड्स में शेयर करो और ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।